कवर के ऊपर से उछाल दिया है, गेंद सीमा पार, 4 रन। जितने भी बड़े शॉट्स लगे हैं, संदेश आपने गौर किया होगा कि जो हाफ वॉलीज मिली है बल्लेबाजों को उस पर ज़्यादातर बड़े शॉट्स लगे हैं। दोनों भी सिक्सर्स जो लगे पिछली ओवर में वो भी हाफ वॉलीज पर लगे थे। जगह जब मिली है और हाफ वॉलीज मिली है उसका लाभ उठाया है बल्लेबाजों ने। अब अगदी बरोबर, याचा अर्थ बाळा हा आपण बघितलं संघासाठी धावा बनवतोय अजयकर। जी हाँ, अब तो ऐसा लग रहा है कि टॉप गियर में बल्लेबाजी हो रही है। ओ, वाइट गेंद को छेड़ा उन्होंने, मोटा सिरा बल्ले का शॉट थर्ड मैन पर, पहले बाउंस पर पहुंची थी, 1 रन। निश्चित सोडून दिला असता तर कदाचित व्हाइट झाला असता अजय करत, इतका ऑफ स्टंपच्या बाहेर होता चेंडू। लालच वैसे भी बड़ी खूबसूरत बला होती है, लालच में कई बल्लेबाज आ जाते हैं। इस बार आगे रखा लेकिन दिशा सही नहीं थी, व्हाइट का इशारा। शेवटच्या षटकामध्ये स्लॉगरचा षटक आहे, तो हणामारीचा षटक असतो आणि त्या धाव आपापते धावा पाहतोय आपण। व्हाइट देखील टाकले जात आहेत, धाव संख्या 31 होते, 31। अभी भी 4 गेंदे शेष है पारी में। बढ़िया गेंद, इस बार शायद लीडिंग एज लगा है, वाइड ऑफ मिड ऑफ, फील्डर पहुंचे वहां पर, संदेश ने गेंद को फील्ड किया था, केवल 1 ही रन। जय बजरंग टेमगर पाडा आणि त्याचबरोबर अलिस्पोर्ट मापोली दोन्ही संघाच्या कर्णधार टॉस बॉक्स मध्ये बसायचा आहे। शेवटच्या षटकाचा खेळ चालू आहे। राहुल दाहिने हात से ओवर द विकेट, ओ फुल टॉस गेंद, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। वाइडी शॉट फाइन लेग के हाथ में खेल बैठे, केवल 1 रन। ये तो छक्का लगाने वाली गेंद थी संदेश, कहीं ना कहीं निश्चितच संधी मिळाली होती फलंदाजाला, एक लांब पल्ल्याचा षटका ठोकण्याची, मात्र व्यवस्थित रीत्या बॅटच्या पड्यामध्ये येत नाहीये चेंडू। इस बार लॉफ्ट कर दिया है, वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर कोई गलती नहीं की उन्होंने, अच्छा कैच और विकेट गिरता हुआ निजाम का। अजय घरत अजून एक विकेट पडतोय, याचा अर्थ गोलंदाजी चांगली झालेली आहे आजच्या दिवसामध्ये पहिल्या सामन्यामध्ये। जय बजरंग टेमगरपाडा आलिस्पोर्ट मापोली हा शेवटचा कॉल असेल, आपण टॉस बॉक्स मध्ये बसायचा आहे कारण की लाईव्ह टेलिकास्ट होत आहे, वारंवार आपल्याला अनाउन्समेंट केली जाणार नाहीये। जो लॉट आहे लॉटच्या हिसाबात आपल्याला इथे सज्ज राहणं गरजेचं आहे, लक्षात घ्या। आपण आखरी गेंद, बेहतरीन शॉट, कवर्स के ऊपर से 6 रन। पारी का खात्मा किया है बाला जूनियर ने, एक अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए। ये देखिए कितना शानदार शॉट था, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला था उसको कवर्स के ऊपर से 6 रनों के लिए। कुल मिलाकर 39 रन बनाए हैं और 40 रनों की चुनौती रखी है, 27 रन नाबाद बनाए बाला जूनियर ने, 39 रन बनाए हैं नवाब स्पोर्ट्स ने और 40 रनों की चुनौती रखी है ठाकुर ब्रदर्स के सामने 5 ओवर्स में मैच को जीतने के लिए। आइए आपको लेकर चलते हैं अब अगले मैच के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं जय बजरंग टेमगर पाड़ा और अली स्पोर्ट्स मापोली, दोनों भी कप्तानों के साथ टॉस बॉक्स में मौजूद रहेंगे मेरे साथी कॉमेंटेटर संदेश पाटिल। धन्यवाद अजय घरत, टॉस करती एएस फिटचे प्रोप्रायटर अरुण भोईर सर यांच्या शुभास्ते टॉस होणार आहे। निश्चितच ओल्डी गोल्डी क्रिकेट अभावते 40+ संघटनाचे सचिव दिलीप पाटील अर्थात जम्बो हे देखील उपस्थित असणार आहेत मध्ये। अजय घरत ठाकूर ब्रदर्स आपण सलामीची जोडी लगेचच मैदानात पाठवायची आहे,
ठाकुर ब्रदर्स अपन सलामी चे फलंदाज मैदान पाठवायचे वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करायचं आहे फलंदाज पाठवून द्यायचे आहेत महेंद्र स्पोर्ट अबोपाताई भरपूर मेहनत घेत आहेत सर्व संघांना प्लॅटफॉर्म देत आहेत आपण देखील त्यांना फॉलो करायचं आहे ओटो आजे करत कॉमेंट्री बॉक्स थँक्यू व्हेरी मच संदेश पाटील Once again, welcome to all of you in MLA Trophy 2017. Now, my co-commentator Subhash Dhumal joins me in the commentary box. Welcome, Subhash Dhumal. It's a good total, 39. Not a big, but they can really fight on this total. Now, of sorts. Thanks, Ajay Garat. Ajay Dhusamadila, pahila samna mitraampan paadhoi. प्रथम फलंदाजी करताना नवाब स्पोर्ट्स संघाने आपल्या धावपळकरात धावा झळकवल्या त्या 39 आणि 40 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे दोन षटकांचा विचार केला तर पूर्णपणे मुभा दिली नव्हती फलंदाजांना कुठले फटके खेळण्याची मात्र त्यानंतर कमबॅक केलं होतं फलंदाजी करणाऱ्या संघाने ऍब्सोल्युटली व्हेरी गुड रिकव्हरी स्पेशली फ्रॉम बाला ज्युनियर played a wonderful knock of 27 unbeaten of just 15 balls it started really slow led 6 dot balls on the trot but after that they played some brilliant shots 3 fours and 2 sixes now the openers have come out to the middle Bhavesh and Rahul Bhavesh taking the strike for the first ball and it is going to be Majid Sheikh with the ball pahila chendu cover cha dishene chendu tolavla jatoy एक धाव पूर्ण होत आहे आणि अकाउंट ओपन होत आहे संघाचं गुड लुकिंग शॉट ऑन व्हेरी फर्स्ट डिलिव्हरी बाय भावेश भावेश इज टेक्निकली व्हेरी साऊंड बॅट्समॅन यावेळी इनसाइड आउट स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळला गेला होता फटका केवळ एकच धाव अशा वेळी दोन्ही फलंदाज स्वतःच अकाउंट ओपन करतात आणि संघाची धाव संख्या होती ती दोन रिक्वायर्ड रेट इज नॉट व्हेरी हाय जस्ट 8 रन्स पर ओव्हर बट देर इज समथिंग इन द सर्फेस फॉर द फास्ट बॉलर्स बॉल इज मूव्हिंग लिटल बिट आफ्टर पिचिंग निश्चित जे एक माफक आव्हान आहे माफक आव्हानाचा पाठलाग करताना आपण पाहतोय संघाला भावेश आणि राहुल ही सलामी जोडी मैदानात आहे यावेळी मात्र डाऊन दी ग्राउंड मात्र सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये आणि पहिला फलंदाज बाद होतोय looking for the initial breakthrough early breakthrough and that has provided by Majid Sheikh smart bowling as soon as he realized that batsman is coming down the track he shortened the length there nichitaja pratham phalandaji kartena changli golandaji aplyala pahayla milte nava sports sa sangha kadun early breakthrough milindo to aplya sangala golandaj striker golandaj Majid यावेळी मात्र हलक्या त्याने केवळ चेंडूला कट केला जातोय दिशा दिली जाते
फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळते फलंदाजांना. गुड बॉलिंग फ्रॉम माजिद शेख. He's bringing his all the experience into the play. Try to bowl wicket to wicket, not giving too much liberty to the batsman to free the arms, keeping it very tight. Which is a tight golandaji aplyala pahayla wicket to wicket golandaji kuklai room det nahi mote patke khelnyasathi. Yavil matra apratim chendu ani dusra falandaj baad hotoy Thakur Sports Sanghacha. Brilliant piece of bowling from Majid Sheikh. Absolutely fantastic bowling, kept it very straight and full on target. And Raj out for duck. Extraordinary bowling a phala milte Majid kaduna don falandajana ata parinte pavilionchya rasta dakhavlela aahe. Yellow matra adve bat nahi mid wicket cha kshetra madhe chendu tolavla jatoy fakta ekach dhav. Pahilya shatkaya samapti, pahilya shatkaya samaptinantar 40 च्या लक्ष्याचा पाठला करताना ठाकूर स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या येते 2-4. महाराष्ट्र शिक्षण अध्यक्ष माझे मार्गदर्शक रवींद्र तरे सरांचं आगमन झालेलं आहे. निश्चितच आपलं हार्दिक स्वागत आहे आमदार चषक 2017 मध्ये. वेलकम रवींद्र तरे सर. बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला माजिद की ओर से. पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए हैं और 2 महत्वपूर्ण सफलताएं उन्होंने दिला दी है अपनी टीम को. जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी वैसी शुरुआत उन्होंने दी है नवाब स्पोर्ट्स को. यहां से ये मैच काफी रोचक स्थिति में जा सकता है. बचे हुए 4 ओवर्स में 36 रनों की जरूरत ठाकुर ब्रदर्स को ये मैच जीतने के लिए. निश्चितच कारण 24 चेंडू आणि 36 धावांची आवश्यकता आता मात्र असणार आहे. यावेळी मात्र दिशा फरकटली जात आहे. पंचांचा वाईटचा इशारा होतोय. अहमद आए है गेंदबाजी के लिए और अहमद भी एक ऐसे गेंदबाज है जो दोनों तरफ गेंद को स्विंग करा सकते हैं. और इस विकेट पर हमने देखा है मध्यम गति के तेज गेंदबाजों ने गेंद को हिलाया है. खासतौर पर पड़ने के बाद गेंद थोड़ी बहुत स्विंग हो रही है, हरकत कर रही है. यावेळ मात्र स्क्वेअर ऑफ द विकेट चेंडू खेळला जातोय. शॉर्ट फाईंडला जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण केलं जातोय तोपर्यंत फक्त एका धावेने स्ट्राईक रोटेट करण्याची संधी मिळते फलंदाजाला. काफी अच्छी वापसी इस मैच में नवाब स्पोर्ट्स ने की है. बल्लेबाजी करते हुए 2 ओवर में केवल 1 रन बना था पहले 2 ओवर में. उसके बाद आखिर के 3 ओवर्स में हम देखे तो 37 रन बनाए और अब गेंदबाजी भी अच्छी देखने को मिल रही है. रन बनाना थोड़ा सा कठिन साबित होता हुआ यहाँ पर ठाकुर ब्रदर्स के लिए. यावेळ मात्र चेंडू सरळ निघून जातोय. हे शेजा हातामध्ये आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाजा मार्फत, मात्र चेंडू आणि बॅटचा कुठलाही संपर्क झाला नव्हता. काफी अच्छी गती निकाल रहे वहां पर अहमद. तब आपने उनसे कुछ बातचीत की है. एक शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर और एक शॉर्ट फाइन लेग, बाकी सभी फील्डर्स बाउंड्री पर नजर आते हुए. यायलो मात्र कार्पेट सारे चेंडू टोलवला जातोय. डीप मधून क्षेत्ररक्षक चेंडू येतोय तोपर्यंत एक धाव घेण्याची संधी मिळते.
अगले मैच के टॉस के लिए अली स्पोर्ट्स मापोली के कैप्टन वक्त पर पहुंचे नहीं है, जिस वजह से उनको 3 रनों की पेनल्टी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से घोषित की गई है। तुरंत आना है अली स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको टॉस के लिए। मत चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळते नवा स्पोर्ट्स संघाकडून। यावेळी मात्र करारा ड्रॉयचा फटका, चांगलं क्षेत्ररक्षण, थोडस खराब क्षेत्ररक्षण नंतर पाहायला मिळतंय। लीची क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय अजय, त्याचा फायदा मिळतोय फलंदाजांना। जी बिल्कुल सही वर्ड इस्तेमाल किया आपने, लेजी। और ऐसी स्थिति में एक एक रन जाया करना काफी घातक साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा टोटल नहीं है, 40 का ही टारगेट है। स्कोर इस समय 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तेजस खेल रहे 4 पर और राहुल 3 पर, इस समय स्ट्राइक तेजस के पास। मत यावेळ मात्र चेंडू फडल्यानंतर थोडासा बाहेरच्या बाजूने वळतोय, स्विंग प्राप्त होतोय अजय आपण पाहतोय। चांगली गोलंदाजी, व्हेरिएशन पाहायला मिळते, व्हरायटी, विविधता गोलंदाजीमध्ये। अच्छा संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में आज के पहले ही मैच में, काफी दिनों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि गेंदबाज हावी है। इस बार भटकते हुए लेग स्टंप के बाहर वाइट का इशारा, रन संख्या दोहरे अंकों में प्रवेश करती हुई, 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश में इस समय राहुल और तेजस, अनि पार्टनरशिप ची आवश्यकता है। अहमद फुल टॉस गेंद, गैप नहीं ढूंढ पाए, आड़े बैट से खेला था डीप मिड विकेट पर। एक मौका यहाँ पर आया था बैट्समैन के पास, बड़ा शॉट खेल सकते थे, गैप नहीं ढूंढ पाए, एक ही रन और इस एक रन से स्कोर आ गया था 11 रन। ओवर समाप्त हुआ दूसरा। कमेंट्री बॉक्स टॉस होता है, एएस फिटनेस प्रोप्रायटर अरुण जी भुईर, त्याचबरोबर 40 प्लस विद्यमाचे सचिव दिलीप पाटील अर्थात जम्बो, त्याचबरोबर आणि आमचे रवींद्र तरे सर। टॉस होणार आहे, एका बाजूला आपला आमदार, एका बाजूला महेंद्र स्पोर्ट। टॉस देतो मी अर्थात जम्बो यांच्या हातामध्ये। आपला आमदार रणजित जे बजरंग टिमगर पाडा संघाचे, महेंद्र स्पोर्ट आली स्पोर्ट मापोली या संघाला टॉस जिंकलेला आहे। हा बाई शंभू म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ देण्यात आलेला आहे गिफ्ट। मान्यवरांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर जाऊन बसायचं आहे। मोहम्मद बाबे सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है अहमदाबाद चषक 2017 में। जब ग्राउंड में एंट्री, कैसा फील हुआ इस टूर्नामेंट के बारे में? बिल्कुल बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, बहुत खूबसूरत टूर्नामेंट है। अहमदाबाद ट्रॉफी जो भी जो साल होती है वो बहुत अच्छी होती है। टॉस जीते क्या करना चाहोगे? मैं टॉस जीत के पहले फील्डिंग करना चाहूंगा। फील्डिंग, पहला मैच तो नवा स्पोर्ट की अच्छी शुरुआत नहीं हुई थी, तो गेंदबाजी के लिए अच्छी पिच है, कहां तक रोकना चाहोगे जय बजरंग टिमगर पाड़ा को? 5 ओवर का मुकाबला है तो 30-40 के अंदर रोकना चाहूंगा मैं। आपके टीम को बेस्ट ऑफ लक। रणजीत टॉस जिंकला असता तर काय केलं असतं? मी पण फील्डिंग घेतली असती। फलंदाजी करायची आहे आणि होम ग्राउंड आहे, 5 षटकांमध्ये किती धावांवर जाण्याचा प्रयत्न असेल? आमचा टार्गेट असेल 60 रनांचा। काय अपेक्षा असेल? संदीप याला किती नंबरवर पाठवण्याचा प्रयत्न कराल? त्यात आम्ही मैदानात उतरल्यानंतर प्लॅनिंग करू। निश्चितच आपल्या संघासाठी देखील भरपूर शुभेच्छा आहे। टॉस बॉक्स मधून न्यूज अशी आहे, अली स्पोर्ट मापोली या संघाने नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। मी तुम्हाला घेऊन जातो आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, सज्ज होत आहेत आरत अजय घरत आणि सुभाष धुमाल। धन्यवाद संदेश। नेवर की पहली गेंद, बाहरी सिरा लगा है बैट का, गैप में जा रही है, नहीं रोक पाए फील्डर, 4 रन।
संख्या आगे बढ़ती हुई 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, यहां से 17 गेंदों में 25 रनों की जरूरत है। अभी भी देखिए हम सुभाष, तो रिक्वायर रेट बहुत ज्यादा नहीं है, 17 गेंदे 25 रन, केवल 8 रनों का कहीं ना कहीं फासला है बीच में। मिस टाइम पुल, लेकिन नो मैंस लैंड में जाकर गिरती हुई गेंद बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में, 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला इस समय एमएलए ट्रॉफी 2017 में चलता हुआ। माजिद शेख का ये दूसरा ओवर है, इस बार आगे रखा, रिवर्स शॉट, अच्छा शॉट है लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद, केवल 1 रन। संदेश पाटिल एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में हमसे जुड़ते हुए, संदेश काफी अच्छा मैच देखने को मिल रहा है। अगदी बरोबर, 40 धावांचा जो आव्हान आहे 5 षटकांमध्ये आपण पाहतोय, तिसऱ्या षटकाला सुरुवात झालेली आहे, धावफलक आपण पाहतोय 17 आणि 2 विकेट पडलेले आहेत। मित्र म्हणाले चांगली सुरुवात नाहीये अजूनही, कारण की 40 धावा आहेत, चांगली गोलंदाजी करावी लागेल नवा स्पोर्ट संघाला, लेकिन अब ऐसा लग रहा है की एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही है। 3 पर दूसरा विकेट गिरा था, 14 रन जोड़ लिए है दोनों भी बल्लेबाजों ने। रिवर्स, ओहो हो, टॉप एज और गेंद जा रही है फाइन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। मला तरी असं वाटतं मोठा अपसेट होण्यासाठी तिची तयारी मध्ये आहेत नवाब सोट, काय वाटतोय ज्या प्रकारे फलंदाज राहुल एक जमीची बाजू सांभाळतोय आणि चांगली साथ देत आहे त्याला सर्व त्यांचे अभिमते खेळाडू। जी हा, राहुल अच्छा खेल रहे, लेकिन पिछला शॉट इसमें गेंदबाज भी कुछ नहीं कर सकते थे, ना ही फील्डिंग टीम के कैप्टन कुछ कर सकते थे, टॉपेज लगा था और किस्मत वाले 4 रन मिले, 9 पर पहुंचे राहुल और स्कोर 21 पर। बढ़िया शॉट, इस बार गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी, 6 रन, स्टैंड्स में भेज दिया है गेंद को। पाहू शकता आपण शॉट फुल केला त्या चेंडूला, पावर स्ट्रोक आपण पाहते आरके पाटी स्टँड मध्ये चेंडू गेला होता अजय करत, आणि ज्या प्रकारची फलंदाजी चालू आहे जवळजवळ 3 ते 4 षटकामध्ये सामना संपण्याच्या तयारीमध्ये आहे ठाकूर ब्रदर्स। काफी महंगे साबित हुए है इस ओवर में माजिद शेख, पहला ओवर बहुत अच्छा किया था उन्होंने, 4 रन देकर 2 विकेट्स लिए थे और वही देखते हुए कैप्टन ने उन पर भरोसा जताया था कि इस ओवर में भी दबाव बनाकर रखेंगे, लेकिन वैसा हो नहीं पाया है। अभी तक हम देखें तो 16 रन इस ओवर से आ चुके हैं, तेजस बैट्समैन है इस समय स्ट्राइक पर, जिनके बैट से एक चौका और छक्का निकला है। चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली आपल्याला, गोलंदाज थोडासा निराश होता आपल्या गोलंदाजीमध्ये, धाव संख्या 27 होते 27। फिर से बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला है, पहले बाउंस पर डीप मिड विकेट पर कामरान पटेल के पास, मिडल कर रहे आप बल्लेबाज, देखिए पहले थोड़ा सा समय व्यतीत किया उन्होंने क्रीज पर और अब जब नजरें जम चुकी है तो हर गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर खेलने की कोशिश हो रही है। सिंगल के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति, ठाकुर ब्रदर्स अच्छी स्थिति में 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तीन षटकाची समाप्ती, धाव संख्या 28, येणाऱ्या 12 चेंडू मध्ये अजूनही 12 धावांची आवश्यकता आहे आणि पॉवर प्ले बॅटिंग पॉवर प्ले घेतलेला आहे, इथून म्हणजे सामना फिनिश करण्याच्या तयारीमध्ये आहे। ज्या प्रकारे शतरक्षण लावून घे आपण प्लीज नवाब स्पोर्ट, आपको फील्ड जल्द से जल्द सजानी है, काफी समय इस इनिंग के लिए अजय गरत। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर भी तो कर दिया है दोनों बल्लेबाजों ने नवाब स्पोर्ट्स के कैप्टन नवाब को, एक टीम मीटिंग हमने देखी तीसरे ओवर के बाद, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं नवाब स्पोर्ट्स के खेमे में अब खलबली मच चुकी है। अगदी बरोबर, हृदयाचे जे धोके आहेत ते वाढत आहेत, कारण की 12 चेंडू आणि 12 धावा, एक छोटा सा समीकरण आपल्या पाहायला मिळते, पाहूया या 12 चेंडू मध्ये या 12 धाव होत आहेत की नाही होत आहेत, कारण की खेळपट्टी जी आहे गोलंदाजांना साथ देत आहे। आजचा 5वा दिवस आहे, आपण बघितलं 40+ ज्यावेळी सुरू झाली त्यावेळी चौकार षटकार पाहायला मिळाले,
दुसऱ्या दिवशी देखील आपल्याला थोडंसं स्लो क्रिकेट पाहायला मिळालं. त्यानंतर तिसरा दिवस जो होता त्याच्यामध्ये चांगले धावा बनल्या. कालच्या दिवसामध्ये लो स्कोरिंगचे सामने जास्त पाहिले आणि आज पुन्हा एकदा लो स्कोरिंगचे सामने आपल्याला पाहायला मिळतात. अजय करत जी हाँ, ये मैच थोड़ा सा लो स्कोरिंग जरूर है लेकिन शायद आने वाले मुकाबलों में कुछ अलग तरीके का क्रिकेट देखने को मिल सकता है. फिलहाल 12 गेंदों में 12 रनों की जरूरत. निजाम पहले चेंडू आप पाते ऑफ स्टंप चेंडू तो हल्के हाथ ने कट के लिए चेंडू आप पाते शॉर्ट पॉइंट वर चेंडू जातो. एक धाव मिळेल, धावा बनतायत. अजय करत ये प्लस पॉइंट आहे तो म्हणजे ठाकूर ब्रदर्स या संघासाठी प्रत्येक चेंडू मागे धावा त्यांनी आतापर्यंत बनवलेला आहे. पर नवाब स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से हम देखें तो उनको कहीं ना कहीं अब विकेट की तलाश है. इस जोड़ी को तोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों भी बैट्समैन ऐसा लग रहा है कि सेट हो गए हैं. अगदी बरोबर, ज्या प्रकारचे फलंदाज चालू आहे पार्टनरशिप पाहायला मिळते दोन्ही फलंदाजांमध्ये. निजाम अफस्टॉपच्या बाहेर निघून चेंडूला आपण पाहते शॉर्ट ऑफ फुल केलेला आहे आणि पॉवरफुल शॉर्ट आपण पाहते. 6 धावांसाठी षटकार. वहां पर निजाम की टर्न जरूर हुई थी लेकिन शॉर्ट पिच गेंद थी, उसका फायदा उठाते हुए बैट्समैन राहुल. निजाम हेलो हेलो, पुनः एकदा तोच फटका मारण्याचा प्रयत्न, थोडीशी मिसफील्ड होता आपण पाहते लेग स्लिपला. आपण पाहते एकच धाव मिळेल या चेंडूवर आणि एका धावाने संघाची धाव संख्या होते ती 36 धावा धाव फलकावर. अजय फक्त 4 धाव बाकी आहेत, काय वाटतं को विनिंग शॉट मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये असेल फलंदाज? जी निश्चित रूप से, मुझे तो लगता है कि इसी ओवर में खत्म करना चाहेंगे क्योंकि 3 गेंदें अभी भी बची है इस ओवर में और बैटिंग पावर प्ले इसीलिए लिया गया कि इस ओवर में ही मैच को खत्म किया जाए. और ये लीजिए मैच समाप्त होता हुआ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन. बड़ा अपसेट होता हुआ एमएलए ट्रॉफी 2017 में, दूसरा बड़ा अपसेट. इससे पहले मैगी 11 बाहर चली गई और अब नवाब स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से बाहर जाती हुई ठाकुर ब्रदर्स ने इस मैच को जीत लिया है 8 विकेटों से. मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस ठाकुर ब्रदर्स. अभिनंदन राहुल, अभिनंदन त्यांची संपूर्ण टीम, कारण की ज्या प्रकारचा जो क्रिकेट झालेला आहे, जो परफॉर्मन्स झालेला आहे, मित्र म्हणेल अगदी एक वेलेवर चांगल्या संघाला बाहेर काढलेला आहे तो तरी म्हणजे ठाकूर ब्रदर्सच्या संघाने. मॅन ऑफ द मॅचचा शिल्पकार कोण आहे पाहूया आपण. प्रथमेश मॅन ऑफ द मॅच, प्रथमेश 2 षटक 13 धावा आणि 2 विकेट आपण पाहतायत. मॅन ऑफ द मॅच साठी प्रथमेश तर आपल्याला मी घेऊन जातोय माझे मार्गदर्शक रवींद्र तरे सर. ओ टू रवींद्र तरे सर. धन्यवाद संदेश पाटील. आमदार चषक 2017 मध्ये आपण सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. व्यासपीठावर विराजमान भिवंडीची डॅशिंग पर्सनॅलिटी लाईन ऑफ भिवंडी संजय भाई म्हात्रे आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. द वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाईक, अरुण भुईर सर या स्पर्धेसाठी जबरदस्त मेहनत घेतली आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. शरद म्हात्रे आपलं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. जय बजरंग मित्र मंडळाचे अध्यक्ष अभिमन्यू तरे, स्वामी गुळवी, अनिल नाईक, सरोली जे माजी सरपंच संतोष दादा पाटील, सुभाषजी म्हात्रे आणि मी रवींद्र तरे सर आपणा सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. जगदीश नाईक आपणाला विनंती करतोय की आपण संतोष तरे, संतोषजी पाटील यांच्या हातामध्ये सरोलीचे माजी सरपंच संतोषजी पाटील सुंदर अशी ट्रॉफी जी स्पॉन्सर केले सुरेंद्र पाटील आणि दिलीपजी नाईक. त्यानंतर अभिमन्यू तरे आपणाला विनंती करतोय. विश्वनाथ महाराज नाईक यांनी दिलेली सुंदर असं गिफ्ट आपण द्यायचं आहे. स्वामी गुळवी आपण सुद्धा सुंदर गिफ्ट द्यायचं जे स्पॉन्सर केलंय. बबनजी पाटील शाखा प्रमुख सरोली पाडा, अनिलजी नाईक आपण आपल्या शुभ हस्ते कुंदनजी पाटील यांनी दिलेलं सुंदर गिफ्ट द्यायचं आहे. आणि निश्चितच अभिनंदन आहे, चांगला खेळ केला पहिल्याच दिवशीचा. आजचा निश्चितच आजच्या दिवसातला पहिलाच सामना. ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद रवींद्र तरे सर. हे बघा अजूनही आलिस्पट मापोली संघ जो आहे ग्राउंड मध्ये गेलेला नाहीये, याच्या अगोदर देखील आपल्यावर कारवाई करण्यात आलेली आहे. लक्षात घ्या आपण आपलं क्षेत्ररक्षण